दोस्तों आप सभी का स्वागत है मुद्राओं के इस पहले वीडियो लेसन में द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट कोर्स। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज में मॉड्यूल 1 रहेगा इंट्रोडक्शन, उसमें पहला वीडियो लेसन देख रहे हैं द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट कोर्स। मॉड्यूल 2 स्टॉक मार्केट इंट्रोडक्शन रहेगा, उसमें हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंट्रोडक्टरी वीडियोज देखेंगे। मॉड्यूल 3 फंडामेंटल एनालिसिस रहेगा, इसमें हम कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस सीखेंगे। उसके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, क्वालिटेटिव फैक्टर्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और डिटेल में कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस समझने वाले हैं। इसके लिए हम सिंपल एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल बनाने वाले हैं ताकि आप बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस जल्दी जल्दी कर सकेंगे और अच्छे कंपनीज को आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकेंगे। मॉड्यूल 4 टेक्निकल एनालिसिस रहेगा, जिसमें हम चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डाउ थ्योरी, वॉल्यूम, प्राइस गैप, प्राइस एक्शन एक्सेट्रा के ऊपर बात करने वाले हैं और डिटेल में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस समझने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में यूज होने वाला है। मॉड्यूल 5 स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहेगा, इसमें हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 3 यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस और मॉड्यूल 4 यानी कि टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम अच्छे से स्टॉक में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्टॉक पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें मनी मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन, इंडस्ट्री सिलेक्शन एक्सेट्रा, ऐसे अच्छे टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। मॉड्यूल 6 म्यूचुअल फंड्स रहेगा। म्यूचुअल फंड सही है, आपने एड्स तो देखे रहेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड सही क्यों है और उसमें मार्केट रिस्क क्या है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, लेकिन उसमें से अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम कौन सी है और उसका रीज़न क्या है वो हम इस मॉड्यूल में समझने वाले हैं। मॉड्यूल 7 इंश्योरेंस रहेगा। इंश्योरेंस स्कीम बहुत सारी है और वो डिज़ाइन की गई है अलग अलग पर्पस से। आपको सही से स्कीम कौन सी चूज़ करनी है और आपके लिए बेस्ट स्कीम कौन सी रहेगी वो आप तभी पता कर सकते हो जब आपको इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो इसीलिए इस मॉड्यूल में हम डिटेल में समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या है और हमारे लिए सही इंश्योरेंस कौन सा रहेगा। मॉड्यूल 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स रहेगा। इस मॉड्यूल में हम इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे, जानेंगे हम इक्विटी डेरिवेटिव्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। मॉड्यूल 9 कमोडिटी डेरिवेटिव्स रहेगा। इस मॉड्यूल में हम कमोडिटीज़ कवर करेंगे, जैसे कि गोल्ड, नेचुरल गैस, सिल्वर एक्सेट्रा। मॉड्यूल 10 फॉरेक्स डेरिवेटिव्स रहेगा। इस मॉड्यूल में हम करेंसी के ऊपर बात करेंगे। मॉड्यूल 11 डे ट्रेडिंग रहेगा, इसमें हम ट्रेड सेटअप, मनी मैनेजमेंट और एडवांस टूल्स के ऊपर बात करेंगे। जिनको डे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉड्यूल 12 फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा। इस मॉड्यूल में हम कैसे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन बना सकते हैं और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को काम पे लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं वो जानेंगे। फिर लोन, प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग को एनालिसिस कर सकते हैं वो सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ऐसे हमारे ये 12 मॉड्यूल्स रहेंगे। अगर आप सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने जाएंगे तो भी आपको 15,000 से ज़्यादा कोर्स की फ़ीस रहेगी। फिर टेक्निकल एनालिसिस अलग से और म्यूचुअल फंड अलग से फ़ीस देनी पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये सभी मॉड्यूल्स हम आपको फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं, इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा। और तो और अगर सिंपल पर्सनल लोन या फिर होम लोन लेने जाएंगे तो भी आप निगोशिएशन में बहुत सारे पैसे लूज करते हो। तो अगर आपको इन सब से बचना है और अच्छे से कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में समझना है, जानना है, तो आप इस सीरीज को मिस मत करो। आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड A to Z चीज़ें समझेंगे, जिससे आपको रिस्क और रिटर्न दोनों का पता रहेगा और फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर हो जाओगे। ये पूरी सीरीज हिंदी में अवेलेबल होगी और रिटन लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। और ये सभी समझने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये कोर्स हर एक के लिए है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। तो अभी के लिए इतना ही।